चालो समझिए, मोबाइल फोन में जी शाला एप इंस्टॉल करवाने रीत। प्ले स्टोर में जवु, जी शाला लखीने सर्च करवू, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करी ओपन बटन पर क्लिक करवू, एलाउ विकल्प पसंद करवो, साइन अप बटन पर क्लिक करवू। हूँ एक विद्यार्थी जो विकल्प में पसंद करो, त्यारबाद विद्यार्थी 18 अंक यूनिक आईडी लखीने गेट डिटेल बटन पर क्लिक करवामां आवशे, एटले विद्यार्थी नाम अटक अने धोरण आवी जशे। त्यारबाद विद्यार्थी अथवा वाली मोबाइल नंबर टाइप करी नवो पासवर्ड लखीने आपेल प्रश्ननो जवाब लखी साइनअप बटन पर क्लिक करवो। मोबाइल पर आवेल ओटीपी नंबर लखीने वेरीफाई बटन पर क्लिक करवो। पे नाउ बटन पर क्लिक करवो। त्यारबाद मोबाइल नंबर अने ईमेल आईडी लखीने आगळ वधु बटन पर क्लिक करवो। पेमेंट माटे आपेल कोई एक विकल्प पसंद करी ते विकल्प मुजबना स्टेप्स ने फॉलो करो। त्यारबाद रजिस्ट्रेशन अने चुकवणी पूर्ण थई तेनो मेसेज आवशे, तेनी नीचे आपेल बटन पर क्लिक करीने लॉगिन करवू। चालू राखो बटन पर क्लिक करो। त्यारबाद मोबाइल में आवेल ओटीपी एंटर करी पे बटन पर क्लिक करो। त्यारबाद रजिस्ट्रेशन अने पेमेंटनी प्रक्रिया पूर्ण थयानो मेसेज आवशे, तेनी नीचे क्लिक हियर टू लॉगिन बटन पर क्लिक करो। हवे तमारी यूजर आईडी पासवर्ड अने आपेल प्रश्ननो जवाब आपी विद्यार्थी के शिक्षक विकल्प पसंद करी लॉगिन बटन पर क्लिक करो। अहीं धोरण 11 ना विद्यार्थीनुं रजिस्ट्रेशन करेल छे, एटले आपेल प्रवाहना विकल्पमांथी जे प्रवाह राखेल होय ते विकल्प पसंद करवो। पसंद करेल प्रवाहने कन्फर्म करो। जमणी बाजू ऊपरना भागे आवेल मेनू बार पर क्लिक करता तमाम विकल्पो जोवा मळशे। विषय संसाधन विकल्प पर क्लिक करता जे धोरण हशे तेना तमाम विषयोनी यादी जोवा मळशे। तो चालो विद्यार्थी मित्रों, आज थी ज आपने जी शाला एप थी अभ्यास शुरू करिए।